भी चलें? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? हम डेट पे जा रहे हैं, कोई खेत में खेती बाड़ी करने नहीं जा रहे जो तुम इस खटारा साइकिल को लेकर आ गए हो। अरे तो क्या बात होगी, गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे पास साइकिल है तो साइकिल लेके आऊंगा ना। मेरे पास यही तो है, इकलौती साइकिल जो मेरे पापा की है। यार ज्योति, ये गंवार तेरा बॉयफ्रेंड है? तू तो बड़ा कहती थी तेरा बॉयफ्रेंड बड़ा रिच है, उसके पास कार है, वो कार से आएगा। ये है उसकी कार। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? एक काम करो, साइकिल को साइड में लगाओ, हम किसी से लिफ्ट ले लेंगे। अरे यार तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा तो तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ आई है, तुम्हें टेंशन है कि ये हमारे साथ कैसे जाएगी? उसका इलाज भी मेरे पास है, तुम एक काम करो, तुम आगे बैठ जाना, ये पीछे बैठ जाएगी। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या ये सब कुछ? मैं सीरियस हूँ, चुपचाप से ना साइकिल को साइड में खड़ी करो। अब चुपचाप से ना साइड में खड़े हो जाओ, हम किसी से लिफ्ट ले लेंगे। ओ भाई रुक रुक रुक, दिमाग क्या खड़े हैं, पीछे कर पीछे कर। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें आगे वाले कैफे तक छोड़ सकते हैं? अरे मैडम अभी हमने पकड़ा ही कहाँ है, जो तुम अभी से छोड़ने की बात करने लगी। और हाँ मैडम, अगर आप चाहो ना तो हम आपको पूरी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे, बस आगे तक ही छोड़ना है। खैर ये छोड़ो मैडम, पहले ये बताओ कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा? मैं, मेरी फ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड। क्या ये फटीचर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे देखना अजय, ये फटीचर इसका बॉयफ्रेंड है, देखना कुर्ता पजामा पहना हुआ है और चप्पल पहने हुआ है। अरे यार मुझे तो ना एक बात नहीं समझ में आ रही कि इस फटीचर ने इस पे ऐसा क्या जादू कर दिया जो इसके पीछे पीछे भाग रही है। अरे ज्योति छोड़ना, वैसे भी हम इनको जानते नहीं, हम नहीं जा रहे इनके साथ। अरे देखना जी, इसके बॉयफ्रेंड को बुरा लग गया। तुम चुपचाप नहीं खड़े रह सकते? दिख नहीं रहा मैं बात कर रही हूँ? जरूरत है बीच में बोलने की। अरे मैडम बाहर क्या कर रही हो, कार में देखो कितने हैंडसम लौंडे बैठे। वैसे एक बात तो है भाई, आज तक सुना था लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया, लेकिन आज देख भी लिया। अरे मैडम आप स्पेस की चिंता बिल्कुल मत करो, हमारी गाड़ी और दिल में बहुत स्पेस है। आ जाओ जल्दी से फटाफट। आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए। अरे मैडम 5 मिनट क्या वेट करना, अगर चलना है तो चलो वरना यहीं पे खड़े रहो, करते रहो वेट। अरे नहीं नहीं अजय, इनके लिए तो हम 5 मिनट क्या पूरी जिंदगी रुकने के लिए तैयार है। चलो तुम्हारी दिक्कत क्या है अभिषेक, मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे। एक तो फटीचर जैसे कपड़े पहनकर आ गए हो और ऊपर से 2 कौड़े की साइकिल ले आए हो। अरे मिल तो गई थी लिफ्ट, क्या जरूरत थी बीच में बोलने की, मैं बात कर तो रही थी ना। मैं ना परेशान हो गई तुमसे, अब प्लीज मेरा ना दिमाग और मत खराब करो, बहुत हो गया है। और अब ना मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे ज्योति हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, और वैसे भी वो अनजान है, हम उनको जानते भी नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे है नहीं, और पहले तुम भी तो मेरे लिए अनजान थे ना, अब तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तो उनसे भी 2-4 बात होगी तो जान जाऊंगी उनको भी। और तुम्हें ना मैं अच्छे से जान चुकी हूँ, तुम एक नंबर के ना देसी गवार हो, सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हो, पूरा करना नहीं आता तुम्हें। जा रही हूँ मैं यहाँ से। हेलो हेलो, मुझे पता चल चुका है ये एक नंबर की गोल्ड डिगर लड़की है, और तुम एक काम करो इसको वापस लेके आ जाओ। चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। आप गाड़ी पीछे क्यों ले रहे हो? ओ मैडम चलो नीचे उतरो। पर क्यों? अरे जितना बोला है ना उतना करो, चलो नीचे उतरो। गए नहीं, यहीं पे खड़े हो? क्या हुआ ज्योति, तुम क्यों नहीं गए अपने नए दोस्तों के साथ? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कहना क्या चाहते हो? रुक जा ज्योति, जब मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारे भाभी से मिलकर आना है। अच्छा तो आज भाई को भाभी से मिलने जाना है, तभी तो मैं कहूँ कि आज सज धज के कहाँ घूम रहा है। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुकना यार, कहाँ जा रहा है? आज एक काम करते हैं, भाभी के साथ ना प्रैंक करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कैसे करेंगे?
एक काम करते हैं, मेरी गाड़ी में ना मेरे नौकर के कपड़े पड़े हैं, तू उनको पहन कर जा, आखिर पता तो चले भाभी इससे प्यार करती भी है या ऐसे ही मजाक कर रही है। चलो ठीक है, यही करते हैं। चलो ज्योति, मैं तो तुम्हारे ऊपर एक बस छोटा सा प्रैंक कर रहा था, मैं देखने जाता था तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं, और देखो रिजल्ट क्या निकला। अब एक काम करो, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। अभिषेक प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। माफी गलती की होती है, धोखे की नहीं।